नमस्कार दोस्तों, हम लोग मुलताई चंदोरा में आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सांप होने की जानकारी मिली है, तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते हैं कौन सा सांप है और निकालते हैं, लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर। तो बाबा आओ डेरा पसारा उठायो, हम फिर इतो उतो देखते रहे छाई में ठाती तासी झोक दिमन को इतो ज्ञान का तो को ऊपर भी डाल दे इतो भी नीतो सब दूर डाल दे नीतो आयो इतो देखियो मन यहां पे भी देखे। हां इतो देखियो रविना का बुलाई मन देखो रविना मन को देखो मन को यहां तक क्या घर है यहां तक अंदर चल नहीं सब देख कहीं को यही नहीं अब पानी चिवा भैया वहां से तेको लिए डाल दिया। यहाँ पर दोस्तों कंडों के बीच में बहुत बड़ा सांप इस महिला को दिखाई दिया है और इनका कहना है कि बहुत ही बड़ा सांप है और ये घबरा चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो आइए हम इस सांप को निकालते हैं, पूरे कंडों को यहाँ से हटाते हैं और हटाने के बाद में देखते हैं कौन सा सांप है, क्योंकि दोस्तों बहुत समय लग जाएगा क्योंकि कंडे भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इसको धीरे धीरे करके हम यहाँ निकालते हैं सावधानी के साथ में, किसी प्रकार से हमारे साथ भी कोई दुर्घटना ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर पूरे कंडों को हम हटाते हैं और निकालते हैं सांप को। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी मदद के लिए परिवार वाले भी यहाँ पर खड़े हैं जो कि कंडे हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों निकालते हैं सांप को और लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर। फाइनली दोस्तों यहाँ पर सांप दिखाई दे चुका है जो कि एक बिग साइज कोबरा, और देखिए पकड़ने में बहुत ही दिक्कत जा रही है इसे, और बहुत ही बड़ा कोबरा सांप है दोस्तों और काले कलर का है। अगर ये बाइट कर ले तो इंसान की मृत्यु हो जाती है और इसे बहुत ही पकड़ने में बहुत ही मेहनत लगी है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा कोबरा सांप का हमने रेस्क्यू किया है। यहाँ पर इसको लेके चलेंगे पर्यावरण की ओर और शायद इसने 3-4 दिन के अंदर ही काचुली छोड़ी है, जिसके कारण बहुत ही इसके शरीर पर चिकनाहट है और बहुत ही तेज प्रवृत्ति का दिखाई दे रहा है। काचुली अभी छोड़ी है ना 2-4 दिन, जब तू हाथ से निकल रहा है पकड़ने वाला ना पूरा पछाड़ा है। मम्मी एक वीडियो बना लियो, तू रहो उधर बाहर ला रहा है तू सब बना लो। हां अब भाग जा, नहीं तुम भाग जाओ और सब आप देखिए दोस्तों सांप एक बहुत ही बड़ा बिग साइज का कोबरा सांप है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और दोस्तों भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप, और इसके काटने पर दोस्तों इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। ध्यान रखिए कि जब भी अगर कोई सर्पदंश हो, आपको कोई भी सांप अगर काटे, तो आपको तत्काल सरकारी हॉस्पिटल जाना है, किसी प्रकार से झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे सांपों के काटने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है।
और ये जहरीले सांप है, इसके अंदर में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है जिसे कोबरा सांप, इंग्लिश में स्पेक्टिकल कोबरा, और इसे नाग के नाम से जाना जाता है क्योंकि बहुत ही जहरीला सांप होता है। इसलिए दोस्तों झाड़ फूँक में बिल्कुल भी ना पड़े, और इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, इसे छोड़ दिया जाएगा पर्यावरण में। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आपको आपके क्षेत्र में आसपास घर में आस पड़ोस कहीं भी सांप दिखाई दे तो अपने नज़दीकी सर्प मित्र को बुला करके सांपों का रेस्क्यू करवाइए। और देख सकते हो एक किसान परिवार है दोस्तों, इनके यहाँ जानवर भैंस बकरी बैल सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर बंधे हुए हैं। अगर दोस्तों ये सांप अगर घर में होता तो शायद कहीं ना कहीं किसी को भी नुकसान पहुँचा सकता था, मगर गनीमत रही कि यहाँ पर समय से पहले इस सांप को देख लिया गया और यहाँ पर किसी प्रकार से दुर्घटना नहीं हुई और हमने इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और इसे लेके चलेंगे पर्यावरण की ओर, क्योंकि एक जहरीला नाग जिसे कोबरा नाग के नाम से जाना जाता है, इसे कई राज्यों में गेहूं, खरीस, फिटार के भी नाम से जानते हैं और साइंस इसे नाजा नाजा के नाम से जानता है दोस्तों। बहुत जहरीला सांप होता है, इसका रेस्क्यू कर लिया है और लेके चलते हैं पर्यावरण की ओर। मजा आयो कि नहीं।